हेलो टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड दिस इज योर नेक्स्ट वीडियो ऑफ योर MS Excel। MS Excel में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वर्किंग विद चार्ट, ठीक है, कि चार्ट्स का किस तरह से यूज़ करते हैं हम MS Excel में और किस तरह से हम उनका उन पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा कि ग्राफिक्स किस तरह से यूज़ करते हैं हम MS Excel में। MS Word में भी हमने पढ़ा था ग्राफिक्स का यूज़, ठीक है, इस तरह से MS Excel में भी है। थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि जो हमारा ग्राफिक्स है वो हमारा MS Word में कौन से टैब में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने खोला हुआ है आप लोगों के सामने पूरा रिबन जो हमारा MS Excel है उसका। सबसे पहले है हमारा होम टैब, ठीक है, और उसके बाद है हमारा इंसर्ट, ठीक है। तो इंसर्ट वाली जो टैब होती है हमारी, यहाँ पे देखो इंसर्ट वाली टैब, उसमें हमारे पास जहाँ से हम ग्राफिक इंसर्ट कर सकते हैं, ग्राफिक का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम अपने MS Excel में, ठीक है, वो यहाँ पे हमारे पास सबसे एक तो होता है इंसर्ट ग्राफिक इलुस्ट्रेशन, ठीक है, ग्राफिक इल्यूजन क्रिएट करना। ये हम इंसर्ट टैब में जाके इलुस्ट्रेशन वाला जो हमारे पास ग्रुप रहता है वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा ये यहाँ पे टेक्स्ट वाला जो ग्रुप रहता है वहाँ से कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट। ये टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए हम कौन से ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, तो ये दो ग्रुप हम इंसर्ट टैब में से यूज़ करेंगे। किसके लिए? ग्राफिक्स का यूज़ करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंसर्टिंग ए पिक्चर, कि हम पिक्चर किस तरह से इंसर्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास है पिक्चर कैन बी एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ क्रिएटिंग ए कंपाइलिंग वर्कशीट, ठीक है, मतलब पिक्चर का यूज़ करके हम अपनी जो वर्कशीट है उसको कंपाइलिंग वर्कशीट जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो हम वहाँ पर पिक्चर का जो यूज़ है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो पिक्चर का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पिक्चर किस तरह से इंसर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे ही हम इंसर्ट टैब पे हमने क्लिक किया, ठीक है, पीछे मैंने दिखाया था आपको इंसर्ट टैब, ठीक है, इंसर्ट टैब पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो उस पास हमारे पास जो ग्रुप आता है किसका, इलुस्ट्रेशन का, जहाँ पे हम इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उस पर सबसे पहला ही हमारा क्या था, पिक्चर, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो ओपन किया था, यहाँ पे देखो सबसे पहला ही हमारा क्या आ रहा है, पिक्चर। तो जैसे ही हम इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे जो मतलब सिस्टम में जो ऑलरेडी स्टोर्ड पिक्चर है हमारी, चाहे वो कैमरा में हो, ठीक है, या किसी फोल्डर में हम जैसे डॉक्यूमेंट में हमने रख रखी हो, ठीक है, तो हम वहाँ से वो पिक्चर अपनी ब्राउज कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये लगा लो कि किसी भी डॉक्यूमेंट की पिक्चर है, वो हमने वहाँ से पिक कर ली, ठीक है। पिक्चर पिक करने के बाद हम क्या करेंगे, उस पिक्चर को एडिट कर सकते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में वो पिक्चर हमें चाहिए, ठीक है। पिक्चर सेलेक्ट करने के, पिक्चर एंटर करने के बाद हमारे पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, देखो, और जब जैसे ही हम पिक्चर हमने इंसर्ट करा दी ना, उसके बाद हमारे पास ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारा किस में आ जाएंगे, फॉर्मेटिंग में, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन किसके लिए, ये है कि जब हमने पिक्चर इंसर्ट करा ली है, लगा लो कि यहाँ पे हमारी जो पिक्चर है हमारी MS Excel जब हमने ओपन किया हुआ, तो यहाँ पे हमारी शीट के ऊपर हमारी पिक्चर कहीं पर आ गई है, जैसे यहाँ लगा लो कि इस एरिया में, जस्ट अ सेकेंड, कि इस वाले एरिया में हमारी पिक्चर आ गई। अब हम उस पिक्चर को क्या कर सकते हैं, उसका साइज़ कंप्रेस कर सकते हैं, कि अगर लगा लो कि साइज़ हमें बड़ा है साइज़, ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उनका साइज़ कंप्रेस कर सकते हैं कम ज़्यादा, ठीक है। पिक्चर का जो अगर पिक्चर गलत आ गई है तो वहाँ से चेंज कर सकते हैं पिक्चर को, रीसेट कर सकते हैं अपनी पिक्चर को, ठीक है, करेक्शन कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी मतलब उसमें हम चेंजेस करना चाहें वो सारे चेंजेस मतलब एक तरह से उसको एडजस्ट कर सकते हैं पिक्चर को अकॉर्डिंगली। दूसरा हमारा था पिक्चर स्टाइल, कि हम किस टाइप में पिक्चर को रखना चाह रहे हैं, हम उसका बॉर्डर बड़ा रखना चाह रहे हैं या फिर उसको विदाउट बॉर्डर रखना चाह रहे हैं या फिर हम उसको ओवल शेप में रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे हमें कहाँ पे मिल जाएंगे, पिक्चर स्टाइल में। उसके बाद आता है पिक्चर को कौन सा बॉर्डर देना है, कौन सा कलर देना है, कौन सा इफेक्ट देना है, कितना अलाइनमेंट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें पिक्चर में इजीली अवेलेबल हो जाती है। ये सब ऑप्शन हमारे पास कब अवेलेबल होता है, फॉर्मेटिंग का ऑप्शन हमारे पास, ये फॉर्मेटिंग का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होगा जब हम अपनी पिक्चर इंसर्ट करा देंगे MS शीट के ऊपर, ठीक है। तो ये था कि पिक्चर किस तरह से इंसर्ट कराई जाए। नेक्स्ट है हमारा वो आता है इंसर्टिंग ए क्लिप आर्ट, ठीक है। अब आता है कि क्लिप आर्ट हम किस तरह से इंसर्ट करेंगे, तो जिस तरह से हमने पिक्चर इंसर्ट की थी, ठीक है, उस तरह से ही हम ये जो क्लिप आर्ट वाला ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे हमने क्लिक किया, क्लिप आर्ट के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितने भी क्लिप आर्ट अवेलेबल हैं हमारे सिस्टम में या फिर हमारे किसी डॉक्यूमेंट में वो सारे हमें अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास जैसे ही हम क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमारे पास हमारी शीट के ऊपर ही राइट हैंड साइड में एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा, जिसमें हमें लिखा होगा कि सर्च कौन सी क्लिप आर्ट हमें सर्च करनी है, ठीक है, और उसकी फोटो हमें यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम वहाँ से क्लिप आर्ट जो अपना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इस वाले डायलॉग बॉक्स में मैंने बताया ना कि राइट हैंड साइड में जैसे उस पर जो हमारा क्लिप आर्ट था उस पर जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आया, ठीक है। अब इसमें सर्च करना है हमने वाटरफॉल, तो वाटरफॉल की जैसे ही हम क्लिक करेंगे, वाटरफॉल लिख के हमारा इसके लिए क्या जरूरी है, इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। वाटरफॉल जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वाटरफॉल की जितनी भी फाइल है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, वो सारी शो कर देगा। तो यहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो वाटरफॉल की पिक्चर है वो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी पिक कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए। तो ये हमारा यूज होता है किसका, क्लिप आर्ट का। नेक्स्ट जो हमारा आता है, मैं सिर्फ आपको, उसके बाद हमारा आता है यूजिंग
स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स यूजिंग स्मार्ट, ये क्या होता है हमारा, ये है हमारे एक तरह की विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज, की जो भी हमारे आइडियाज है, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, उनको हम क्या करें, विजुअलाइज किस तरीके से करें, ठीक है, किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करें, ठीक है, कि उनको इजीली विजुअलाइज किया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हम अपनी स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारा ग्राफिक्स में पिक्चर और क्लिप आर्ट का ऑप्शन था, उसी तरह से हमारा स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन भी रहता है। यहाँ पे देखो, हमारे पास इलस्ट्रेशन में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्मार्ट आर्ट, तो स्मार्ट आर्ट हमारे पास क्या होती है, ये सब, ये देखो, ये है हमारे स्मार्ट आर्ट के लिए ऑप्शंस, ठीक है, जो अवेलेबल होते हैं हमारे एमएस एक्सेल में। तो यहाँ से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इनका मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कोई लिस्ट बनाई है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ हमने हाईलाइट करनी है, हमने अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर दिया एमएस एक्सेल में, ठीक है, उसमें हमने कहीं भी इंसर्ट करानी कोई भी लिस्ट या कोई भी हाईलाइट करके हमें, जैसे हमने लिखना है कि एमएस वर्ड और एमएस वर्ड यूज ऑफ एमएस वर्ड इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, ठीक है, तो हमारे पास चार फील्ड है डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पे एमएस वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, तो हम कोई भी एक यहाँ पे कोई भी अपनी जो स्मार्ट आर्ट है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर एक एक करके उनके ऊपर अपना नाम लिखते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ये वाला हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, अब ठीक है, हमने ये वाला सिलेक्ट करके अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले के ऊपर अपना लिख देंगे कि हाँ एजुकेशन में किस तरह से यूज़ होता है, मार्केटिंग में किस तरह से यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या आ जाएंगे, स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को क्या बनाना, विजुअलाइज करना, ठीक है, अच्छे तरीके से उसको देखना, ठीक है। तो ये सब यूज़ होता है हमारा किस में, स्मार्ट आर्ट में। उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं ऑल में, जैसे ये हमारे पास ब्लॉक के यूज़ में, ब्लॉक के टाइप में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर लिस्ट की तरह इनको यूज़ कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो भी जिसके अकॉर्डिंगली भी हम अपनी प्रेजेंटेशन चाहते हैं, हम उस तरह से इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लिस्ट के, लिस्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो लिस्ट किस तरह से है कि फर्स्ट पे कौन सा आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन सा आएगा, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, प्रोसेस मतलब जो एरो बनी होती है, कई बार देखा होगा ना कि जैसे रेड लाइट के ऊपर एरो साइन होते हैं कि लेफ्ट लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, जैसे कि हमारी रेड लाइट पे होता है थ्री लाइट्स लगी होती है, ठीक है, वो भी एक तरह से इसी का ही विजुअलाइजेशन आर्ट का ही क्या है, पार्ट है, ठीक है, अगर उसको हम कंप्यूटर में बनाएं तो, ठीक है। तो प्रोसेस में हमारी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद साइकिल, साइकिल मतलब कि हमें जैसे हमारे मॉलिक्यूल वगैरह 10th तक सबने पढ़े हो, उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है ना, हेक्सागोनल पेंटागोनल, ठीक है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे, ठीक है, तो ये सारी हमारी जैसे इस तरह से साइकिल जो हम फॉर्म करते थे, तो ठीक है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी क्या होती है, स्मार्ट आर्ट होती है, जो हम अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अपने एमएस एक्सेल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। नेक्स्ट जो आता है, आप लोगों ने इतना ही पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ में घुसना है, ठीक है, मतलब आपका इतना ही है कि आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिक्स में कौन कौन सी चीज़ आती है, कि पिक्चर हो गया, पिक्चर क्या होती है, क्लिप आर्ट क्या होती है, ठीक है, स्मार्ट आर्ट क्या होती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत सारा है बल्क में, पर ये मैं सारा आपको नहीं करा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो है आप इंसर्टिंग बेसिक शेप, बेसिक शेप इंसर्ट करना, एमएस एक्सेल में बेसिक शेप इंसर्ट किस तरह से करते हैं, बेसिक शेप मतलब ये, ठीक है, जैसे जहाँ पे हमारा ये इलस्ट्रेशन में जो पिक्चर क्लिप आर्ट और जो हमारा स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन आ गया, वहाँ वहीं पे हमारा आता है शेप का ऑप्शन। तो जैसे ही हम शेप के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप इस तरह से ओपन होकर आ जाएंगी, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन है, ठीक है, ये सारी हमारी क्या है, शेप, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप है हमारे पास, वो अवेलेबल हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारी रिसेंटली यूज़, मतलब जो हमने अभी यूज़ की हो, या फिर लाइन वाली शेप हम यूज़ कर सकते हैं, ये लाइन वाली शेप है सारी, ये रेक्टेंगुलर शेप है जो उनसे लेना चाहें, ये बेसिक शेप है, हमने कोई भी जिस मतलब जो अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करनी है, वो शेप हम यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें कि मतलब जो हमारी ग्राफिक्स है एमएस एक्सेल में, उसका यूज़ करके हम कौन कौन से वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्रिएटिंग ए फ्लो चार्ट, कि ये जितने भी ग्राफिक्स है हमारी, जो भी हमारी पिक्चर होगी या फिर क्लिप आर्ट हो गया, शेप हो गई, स्मार्ट आर्ट हो गया, इनका यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस को दिखाना कि ये प्रोसेस किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में हमारा होता है कि फ्लो चार्ट क्या होता है कि डेटा के फ्लो को दिखाना, ठीक है, मतलब किस तरह से जो डेटा है वो एल्गोरिथम है किसी प्रोसेस का, वो किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन जैसे कोई दिखानी हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारी प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई, ठीक है, यहाँ पे रिव्यू मिला, यहाँ पे कि उसको मतलब भाई मतलब उसको यहाँ पे डिसीजन लेना है कि वो आगे जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद उसने डिसीजन लिया, उसके बाद यहाँ पे वो टर्मिनेट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अपने मतलब अपने अकॉर्डिंगली हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में हमने क्या यूज़ किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट शेप यूज़ की हुई है और अपनी क्या यूज़ किया है, स्मार्ट आर्ट, ठीक है। शेप कौन सी, जैसे ये हमने यहाँ पे हमने ये वाली शेप यूज़ किया, यहाँ पे हमने ये क्या बोलते हैं रेक्टेंगल वाली शेप यूज़ किया, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप हमने कहाँ से उठाई है, ये शेप वाले ऑप्शन से, ठीक है। और उसके बाद जो ये एरो है, ये हमने कहाँ से पिक किए हैं, ये हमने पिक किया अपनी स्मार्ट आर्ट से, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इन सबको यूज़ करके हम अपना फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है किसका यूज़ करने के लिए, अपना डॉक्यूमेंट को एक तरह से विजुअलाइज करने के। तो ये हमारा क्या है, जो ग्राफिक इलस्ट्रेशन है वो
यहाँ पे इस ग्रुप में हमारा मिल जाएगा, ठीक है, इलस्ट्रेशन वाले ग्रुप में। तो यहाँ पे हम पिक्चर किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, शेप वगैरह, स्मार्ट आर्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट, ठीक है। तो ये है हमारा जिस तरह से हमने एमएस वर्ड में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो यूज़ करने के ऑप्शन है वो सिर्फ दो ही हैं ग्राफिक्स के लिए, ठीक है। वैसे तो सारे हम यूज़ करेंगे, पर हेडर फुटर हमारा ग्राफिक्स में नहीं आता। अगर ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको वो भी ग्राफिक्स में आता है हमारा, ठीक है। जैसे कि हमने अपने डॉक्यूमेंट, जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसमें हमने कहीं भी एक क्या बोलते हैं, इस तरह से जैसे होता है ना कि नोट बना दिया, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट के बीच में कहीं भी एक बॉक्स बना के लिख दिया। जैसे मैं आप लोगों को कई बार बुक से पढ़ाती हूँ, तो बुक में छोटे छोटे नोट्स लिखे होते हैं ना बीच बीच में एक बॉक्स बना के, ठीक है। तो बॉक्स किस तरह से इंसर्ट करें, तो वो आता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स में, कि जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो हमारा इस तरह का एक बॉक्स बन के हमारे पास आ जाएगा, मतलब एक एरो हमारे पास आ जाएगी। जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो हम जहाँ पर हम उस एरो को प्लेस करेंगे तो वहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंगली अपना क्या कर सकते हैं, अपना जो टेक्स्ट बॉक्स है वो बना सकते हैं, जितना भी बनाना हो हमें साइज का, ठीक है। वो बना के हम उसके अंदर जो भी हमने टेक्स्ट टाइप करना है, जो भी हमने अपना डॉक्यूमेंट उसमें लिखना है, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग हमने लिखनी है, ठीक है, जो भी डेफिनेशन हमने बनानी है, वो वहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है कि जैसे ही हम वर्ड आर्ट के ऊपर, ये एमएस वर्ड में भी था हमारा वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मतलब जो वर्ड्स हैं हमारे, वो हमारे किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, किस कलर में होंगे, उसका आउटलाइन कलर क्या होगा, उसका इनसाइड कलर क्या होगा, ठीक है, उसकी शेप कैसी होगी, ठीक है। तो मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट कलर हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कोई भी एक कलर वहाँ से सिलेक्ट किया, उसके बाद हमारा जो बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स वो अपीयर हो जाएगा, और जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया, जैसे हमने ए ब्लू कलर में सेलेक्ट किया है, तो जो भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगी वो सारा ब्लू कलर में ही आएगा, और जो इस ए का जो भी शेप है, चाहे वो बोल्ड में है चाहे ए इटैलिक में है, तो वो उसी स्टाइल में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मीनिंग होता है किसका, वर्ड आर्ट का। तो इस तरह से हम ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं किसमें, एमएस एक्सेल में, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक था, बस इतना ही आपका, कि एमएस एक्सेल में हम ये सारी चीज़ें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो एमएस एक्सेल सीट होती है हमारी, ठीक है, वो हम मार्केटिंग में, फाइनेंस में, ये सब मतलब फील्ड में किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो ये मैं आप लोगों को देती हूँ होमवर्क, ठीक है। ये आपको खुद पढ़ना है, एप्लीकेशन है ये इनकी, कि मार्केटिंग में हम एमएस एक्सेल को किस तरह से यूज़ करेंगे और बाकी फील्ड में किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं आपको भेज दूंगी, वो आपको खुद करना है, ठीक है। मैं असाइनमेंट दूँ चाहे किसी तरह से, वो आपको खुद करना है। कल से मैं आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट कराऊंगी, जो है हमारी पावर पॉइंट। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, ठीक है। तब तक अपना पढ़ते रहना।